बिहार में आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई है। इसमें कुल 1418 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 74 केंद्र पटना में बनाए गए हैं। पटना के इस साल कुल 76,432 विद्यार्थी शामिल हुए हैं। परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए प्रशासन ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष की पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिसका असर परीक्षा केंद्रों पर देखने को मिला। परीक्षा केंद्रों पर जो परीक्षार्थी जूता पहनकर आए थे, उनको जूते के साथ प्रवेश नहीं मिला। इसके साथ ही प्रशासन नकलचियों पर भी विशेष नजर रख रही है। बिहार बोर्ड की तरफ से आज से बोर्ड का एग्जाम शुरू हुआ है। इस परीक्षा में कुल 16,60,609 विद्यार्थी शामिल हुए हैं, जिसमें पटना में के कुल परीक्षार्थी हैं वह 76,432 बताए जा रहे हैं। इस परीक्षा में कुल 1,418 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 74 केंद्र जो हैं कुल पटना जिला में आ रहे हैं। यह एग्ज़ाम जो है 9:30 बजे से शुरू किया गया है, जिसमें 10 मिनट पहले परीक्षार्थी को प्रवेश करने का निर्देश दिया गया है। और जो परीक्षार्थी वही पहले पिछले साल के जो नियम थे, जो जूता पहनकर आ रहे हैं, उनको जूता उतरवा दिया जा रहा है ताकि वह कदाचार ना कर सकें। और जो परीक्षार्थी चप्पल पहन करके जा रहे हैं, तो यह चप्पल वाले जो भी परीक्षार्थी, उनको प्रवेश दिया जा रहा है ताकि वह आराम से परीक्षा दे सके। जिस तरह से पिछले साल के और उसके पहले के साल में परीक्षा केंद्र पर कदाचार के लिए बिहार को पूरे इंडिया में जाने जाना लगा था, और अब जो है इस साल परीक्षा करवाया जा रहा है, परीक्षा किस तरह से सफल होगा और परीक्षार्थी जो मेधावी परीक्षार्थी हैं वही पास होते हैं, या जो कदाचार का जो सिलसिला है वह कदाचार फिर से रोक पाते हैं प्रशासन या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।